अब तक आपने देखा? मुझे पृथ्वी पर तुम्हारी जरूरत है बम्बलबी, एक नया मिशन। मेरा नाम रसल है। एक कैडेट को पूरी शिफ्ट के लिए सीनियर ऑफिसर के साथ साथ ही रहना पड़ेगा। यहाँ एक घंटा भी नहीं हुआ और ये बेवकूफ एक इंसान के सामने भी आ गया। मैं फिक्सिट हूँ सर, और ये था कैदियों का स्पेसशिप अल्कमोर, जिसमें साइबरट्रॉन के सबसे खतरनाक डिसेप्टिकॉन्स कैद थे जो शायद फरार हो गए। तुम कभी नुओन शहर गए हो? नहीं। कैसे जाते हैं? मैं उसे खा गया हूँ। लड़ने की आवाज आ रही है, कौन लड़ रहा है? मुझे भी लड़ना है। वो चॉम्पोजॉइड जितना मेटल खाएगा उतना ही ताकतवर हो जाएगा। क्या कहा तुमने? स्क्रैप यार्ड, मेरे डैड वहीं पर है। अब क्या होगा? इसके डैड वहाँ है। डैड क्या होता है? इस ग्रह का पुराना सदस्य जो नए सदस्य को जन्म देता है और उसे खिलाता पिलाता और पढ़ाता है और उसका ख्याल भी रखता है। ओह, तुमने ये क्यों नहीं कहा? डैड, तुम उस चॉम्पिसॉइड के पास नहीं जा सकते, वो बहुत खतरनाक है। यहाँ कोई और भी है जो बहुत खतरनाक है, ये Transformers, Robots in Disguise, Pilot Part 2. ये पुलिस वाले नहीं है, इनसे मत डरो। मैं पुलिस वाली ही हूँ। मुझे तो ये डरा हुआ नहीं लग रहा है। वो दोनों सबका ध्यान आकर्षित करेंगे, तुम सब यहीं रहो। रूल्स और रेगुलेशंस में कहा गया है कि एक से ज्यादा ऑफिसर। नहीं, तुम अभी भी सीख रही हो, मैं ये काम अकेले ही करूँगा। मैं उनकी बात नहीं मानने वाला, मुझे डैड के पास जाना है। Oops, वो इंसान का बच्चा भाग रहा है, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। आप नहीं जाने वाले? मुझे क्या पड़ी है? मैं समझ गया, मैं भी सांप जैसा, बाप जैसा, आप जैसा हूँ। मुझे भी लड़ाई नहीं पसंद है, प्यार पसंद है। मैं फिक्सिट हूँ, मैं कोई ना कोई आइडिया फिक्स कर ही लूंगा उन कैदियों को काबू करने के लिए। कोई तो हथियार होगा, गियर होगा। मुझे लगता है मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। साइड स्वाइप, तुम्हारा कोई पेट नेम है? रुको, मैं गेस करता हूँ। स्कूटर, कबूतर, बड़बड़। मेरा पेट नेम गड़बड़ है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। साइड स्वाइप कहाँ गया? जल्दी क्या है, पहले मुझसे तो निपट लो। तो तुम भी जेल वाले शिप में थे? मैं इस पूरे ग्रह को नहीं खाने वाला हूँ, सिर्फ इसके कुरकुरे हिस्सों को खाऊंगा। फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? अपने साइज के किसी को देखकर तकलीफ हो ही जाती है। हम एक ही जहाज में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भाई भाई हैं। हम भाई भाई नहीं हैं, फिर भी मैं तुम्हें घूमने भेजना चाहता हूँ। सही मौके का इंतजार कर बम्बलबी। मैं उस इंसान को हटा देती हूँ और उसके बाद आप और मैं उन कैदियों से निपट लेंगे सर। स्ट्रॉन्ग आर्म। कहाँ फंस गया? लगता है तुम्हारे ये मसल्स खोखले हैं। लगता है तुम्हारा दिमाग खोखला है। डैड,
अरे कोई बात नहीं, चलो ढूंढे तुम्हारे डैड को। प्यारा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। स्ट्रॉन्ग आर्म नहीं। भागो भागो भागो। डैड, डैड, लस्टी, तुम्हें वो मीटियोर मिला? नहीं, पर मुझे वो मिले। बाप रे! यहाँ कोई पीछे का दरवाजा है? क्योंकि पीछे के दरवाजे से भाग लेने में ही भलाई होती है। बोलने वाला रोबोट का। तुमने तो मुझे कहा। कुछ भी सही नहीं हो रहा। जब मैंने कहा था कि वहीं खड़े रहो तो क्यों आए? क्योंकि मैंने मदद करने और लड़ने की ट्रेनिंग ली है, खड़े रहने की नहीं। मैं तो उस मिनिकॉन की वजह से आया। हाँ, वो अपनी पकाओ बातों से मेरे कान पका रहा था। इंसान, डैनी, यहाँ सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? हाँ, नदी के पास कुछ गुफाएं हैं। रसल को वहाँ ले जाओ। साइड स्वाइप, स्ट्रॉन्ग आर्म, तुम दोनों भी जाओ। सर, मैं मदद करना चाहती हूँ। जैसे ऑप्टिमस ने आपको सिखाया, मुझे भी सिखाइए। मैं ऑप्टिमस नहीं हूँ। अफसोस, अगर वो साथ होते तो हमें थोड़ा कम डर लगता है ना? क्या बात है, मेरे ये 250 किलो के हाथ तो कुछ भी उठा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बेचारे तुम्हें उठाकर गंदे हो गए हैं। हट जाओ। मुट्ठी ने कर दी छुट्टी, हाथ ने लगा दी वाट। तू कौन है इस मैच का विजेता? हाय मैं। अब अच्छा लग रहा है। फिक्र मत करो, मैं तुम सबको भी खाऊंगा। देर सारा खाना। असली खजाना तो वहां है। क्या आप ठीक है इंसान डैनी? मेरा नाम सिर्फ डैनी है और शुक्रिया। उस राक्षस ने मेरे बीवर का क्या हाल कर दिया? क्या सब लोग ठीक हैं? हाँ, सब ठीक है ल्यूटिनेंट, सिवाय वहां उस कैदी के। राउंड टू। यहाँ क्या हुआ है? अंडरबाइट ने तुम्हें घुमा घुमा कर फेंका। किसी को चोट आई? नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है अंडरबाइट चला क्यों गया, यहाँ तो अब भी बहुत सारा मेटल है। वो शहर की तरफ गया है, लंबी बिल्डिंग्स को खाने। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए या फिर आर्मी को? नहीं, हम और इंसानों को शामिल नहीं कर सकते। वो क्राउन सिटी की जो बिल्डिंग्स खाने गया है, उनके अंदर हजारों इंसान रहते हैं। फिर तो मुझे उसे वहाँ जाने से रोकना होगा। मैं रूप बदल लेती हूँ और फिर आपके साथ चलती हूँ। स्ट्रॉन्ग आर्म, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम में से किसी को यहाँ आना नहीं चाहिए था। ऑप्टिमस ने कहा था ये सिर्फ मेरा मिशन है। मैं मुझे काटने वाले के दांत तोड़ना चाहता हूँ। आप अपने साथ किसी मुजरिम को नहीं ले जा सकते। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, कम से कम मुझे तो नहीं लगता। मेरी मानो ये भागने का प्लान बना रहा है। तुम नहीं आ। मैं आ रहा हूँ।
और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। मैं भी आ रहा हूँ डैड। मुझे ब्रिज पे पहुँचने का शॉर्टकट पता है। लेफ्टिनेंट, अगर आप उन दोनों को लेकर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन हम इस रूप में नहीं जा सकते। नदी में बोट्स होंगी, किनारे पर लोग होंगे। कोई ऐसा रूप लेना होगा जिससे इंसानों को शक ना हो। हमें अपना भेस बदल कर जाना होगा। तुम्हारे पास और गाड़ियां हैं? कोई एक चुन लो जल्दी। साइड स्वाइप। मुझे नहीं चुनना। एक पुलिस ऑफिसर को पुलिस की ही गाड़ी सूट करेगी। तुम मुझे सुन पा रहे हो? फिक्स इट। फिक्स इट बोल रहा हूँ सर। तो बताओ तुम क्या कर रहे हो? फोन पर आपसे बात कर रहा हूँ। और सब कहते हैं मेरे दिमाग में चढ़चढ़ है, बड़बड़ है, गड़बड़ है। तुम फोन पर क्यों? छोड़ो, स्टेसिस सेल्स की मरम्मत का काम कैसा चल रहा है? हाँ, एक सेल की मरम्मत कर दी। ये बताने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, फिर मैं वापस स्पेसशिप के पास जाता हूँ और ये कैप्चर डिवाइसेस भी ले जाता हूँ। रुको, कैप्चर डिवाइसेस? निशाना लगाओ और फेंको। तो क्या चुना तुमने? क्या बात है। फिक्स इट, वापस जाकर मरम्मत का काम जारी रखो। रसल, साइड स्वाइप के साथ यहीं रहो, बाकी सब मिशन पर चलो। हमें मासूम इंसानों को अंडरबाइट से बचाना होगा, किसी भी कीमत पर। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मैं कोई अच्छी लाइन सोच लूंगा। यहाँ आसपास सिर्फ पेड़ है, मेरी ताकत कम हो रही है। सुनो, ब्रिज यहाँ से कितना दूर है? वो नहीं। हेलो हैंसम। मेरा ये नया लुक कैसा लगा? बहुत अच्छा। उठो और चलो। पर बम्बलबी ने कहा था अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे डैड को और भी जोश मिलेगा। क्यों ना हम साथ में स्वीट डिश भी ले चले। सॉरी अंडरबाइट, ये ब्रिज तुम्हारे लिए बंद है। फिक्स इट, तुम मेरे सबसे फेवरेट मिनिकॉन हो। फिक्स इट, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मुझे अपनी ताकत को रिचार्ज करने के लिए बस थोड़ा सा मेटल चाहिए, और उसके लिए अगर तुम्हें भी खाना पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अब आपका दूसरा प्लान क्या है सर?
मेरे पास कोई प्लान नहीं है, जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझसे तो मुकाबला कर लो। हम तुम्हें हरा देंगे तुम बड़े भद्दे दिन के राक्षस। इसे खाकर मेरी खोई हुई ताकत वापस लौट आएगी। रस्टी, क्या करें? इतनी आगे तक तो मैंने नहीं सोचा था। उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ मेटल ना हो और इंसान भी ना हो। खाई में किसके हाथ में है? डैड, पीछे आओ। कौन जिएगा, कौन मरेगा और कौन बिचकेगा? ऑप्टिमस, आप जिंदा हैं? आप जिंदा हैं ना? ये अभी तक पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि मुझे पृथ्वी पर ज्यादा देर तक रुकने की इजाजत नहीं है। तुम्हें एक लाजवाब टीम मिल गई है। ये सब एक इत्तेफाक था। तुम सबको मिलकर कई चुनौतियों का सामना करना होगा। पृथ्वी पर आतंक मचाने वाली शक्तियां बहुत खतरनाक हैं, लेकिन मुझे यकीन है तुम उनका डटकर मुकाबला करोगे, बिल्कुल आज की तरह। पर हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ी और हमेशा पड़ेगी। तुम एक बहुत अच्छे लीडर हो बम्बलबी, खुद पर भरोसा रखो। अब फिर से मिलेंगे? मुझे नहीं पता, ब्रह्मांड ने मेरे लिए कुछ सोचा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या है। तुम जरूर जीतोगे बम्बलबी, जीतना ही होगा।
आपको दिक्कत तो नहीं होगी हम अपना कमांड सेंटर आपके यहाँ सेट करें तो? नहीं, जंगल से ज्यादा आप सब हमारे यहाँ सुरक्षित रहेंगे और मैं आपके मिशन में मदद करूँगा जब मुझे अपने काम से फुर्सत मिलेगी तब। तुम मुझे उस अंडरबाइट की तरह सुलाने तो नहीं वाले हो ना? रूल 13 सेक्शन 9 में लिखा है कि कैदियों को हमेशा ही अपने। तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ खुद को साबित करने का। पर सर, मुझे मिला एक मौका, मिला मुझे एक मौका। क्या कर रहे हो? पर मुझे क्या साबित करना होगा? मुझे खुशी है तुम हमारे साथ हो थोड़ी देर के लिए। तुम्हारी सीनियर ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि मशीनों को। तुम मुझे कोई ऑर्डर्स नहीं दे सकती। फेंका क्यों? ये बहुत नाजुक है। पता नहीं तुमने 394J रिसेप्टर्स का साइंस पढ़ा है या नहीं। इन्हें बनाने का तरीका चंपक है, दिलचस्प है, दिलचस्प है। मैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे ऑप्टिमस। बार बार कहता रहूंगा तो शायद मुझे यकीन हो जाएगा। मुझे मिला एक मौका, मिला मुझे एक मौका, तो चलो जश्न मनाएं। हिंदी स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन बाय सुमिता गांगुली, हिंदी डबिंग डायरेक्टर रूपाली मेहरा, राजा सेवक फॉर ऑप्टिमस प्राइम, करण त्रिवेदी फॉर बम्बलबी, अनीता दुकानिया फॉर स्ट्रॉन्गा, कृतार्थ त्रिवेदी फॉर साइड स्पाइक, हाय दिस इज सुमित कॉल फॉर फिक्स इट, मनीष भवन फॉर डेन, आदित्य राज फॉर ग्रिमलॉक, अमित ड्योंडी फॉर रसल, आदित्य राज फॉर स्टील जॉब, हिंदी डायलॉग रिकॉर्डिस्ट नितिन।